हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कस्टम स्टेट लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू आप कैसे ऐड करो। आपको फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लगेगा कि यार क्या ही सिंपल है, इतना सिंपल अब क्यों बता रहा है ये मुझे, बट स्टे विद मी। अगर ये प्रॉब्लम किसी को आई है ना, लिटरली उसको मन करेगा उसको कंप्यूटर उठा के फेंक दो, क्योंकि पहला एक तो इंटुइटिवली पता नहीं है कि जब भी कस्टम लिस्ट कोई भी वैल्यू ऐड करते हो यूजिंग अ प्लस आइटम एक्शन, तो आप कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। वो ऑब्जेक्ट हो या फिर नंबर्स हो, आप नहीं कर सकते लिटरली। तो आई विल टेल यू द वर्क अराउंड ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, ओके। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक एड अ कस्टम नंबर लिस्ट, ओके। यहाँ पे मैं नंबर्स को करता हूँ इसको यहाँ से भी डन। नाउ देयर इज अ इनपुट बॉक्स एंड देन इसके बाद बटन होगा एक, ठीक है। अरे दैट वुड बी अ मिस्टेक, पुश आइटम, ओके। नाउ वी विल मेक इट देम एज अ ग्रुप, ग्रुप देम इन अ कॉलम एंड दैट्स इट, एंड मेक इट एकदम सेंटर में कर देंगे और अप्लाई। इससे क्या करेंगे, जो भी हम वैल्यू बेसिकली रिपीटिंग ग्रुप में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे जैसे इनपुट करते जाएंगे वो वैल्यू रिपीटिंग ग्रुप में ऐड होती चली जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्शन सेटअप करेंगे, सेट स्टेट पेज, और जितनी भी आपकी कस्टम स्टेट्स है ना आपको पेज लेवल पे सेटअप करो, या फिर रीयूजेबल एक कंपोनेंट ऐड कर लो हर पेज पे, उस पे सेटअप करो। इससे फायदा क्या होता है, एक तो आपको ना ऐप मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है, आपको फ्यूचर में कभी भी आना है अपनी कस्टम स्टेट देखनी कौन कौन सी है, आपको डायरेक्टली पता है आपको पेज लेवल पे जाना है फिर वो रीयूजेबल पे जाना है, तो नो सरप्राइज एट ऑल। ये सब आपके डिबगिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो हमारा क्या है, नंबर लिस्ट, यस। वैल्यू क्या है, इंडेक्स नंबर लिस्ट प्लस आइटम इनपुट, इनपुट ए वैल्यू नंबर, बेसिकली बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में होता है तो उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम रिपीटिंग ग्रुप भी करेंगे, यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप ऐड करते हैं जिसमें वैल्यू जाते हैं टैक्स, और इसमें हम बेसिकली इंडेक्स नंबर लिस्ट, ओके, एंड दिस इज अ नंबर, ठीक है। और हमने इसको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली, और जितने भी आइटम है वो इंटूट ऐड हो जाए, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है, अभी हम जो भी आइटम पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे देखना चाहिए, ओके। सेंटर मार्जिन में, जैसे मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो गया। मैं दोबारा से 2 ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया, अब मैं दोबारा से 3 ऐड करता हूँ। आप बोलोगे बटन पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा अंकुर, नहीं मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप जैसे 4 करोगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज जब आप जब भी एक लिस्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कर रहे हो प्लस आइटम के यूजिंग, प्लस आइटम दिस। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, दिस ऑपरेशन एड्स एन आइटम टू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डूइंग इट, रिटर्न अ न्यू लिस्ट विद द ओरिजिनल लिस्ट प्लस द न्यू आइटम, इफ द न्यू आइटम इज ऑलरेडी इन द लिस्ट इट विल नॉट एडेड। वही हमारे साथ हो रहा है, जब आप डिबग कर रहे हो तो ना आपको पता ही लगेगा कि अच्छा ये भी एक इश्यू हो सकता है। आप बोलोगे प्लस आइटम हो गया उसके बाद लिस्ट यूज करो, आप बोलोगे लिटरली आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपना सिस्टम तोड़ दूं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए लेट्स फिगर आउट द वर्क अराउंड। तो एक सिंपल सा वर्क अराउंड है, जो लिस्ट है नंबर ऑफ लिस्ट, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट आप उसको एज अ टैक्स सेव करो, आप जितने भी नंबर यूज कर रहे हो तो उसका टैक्स सेव करो। कैसे करोगे, तो हम मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम कस्टम स्टेट बना रहे हो ना, जैसे ये नंबर लिस्ट है इसकी जगह हम करेंगे करेक्टर नंबर और इसको टेक्स्ट टाइप बनाएंगे, इसको लिस्ट नहीं बनाना है, सिंपल टेक्स्ट रखना है, दैट्स इट। नाउ अभी जस्ट डिसेबल दैट और एक नया वर्क फ्लो बनाएंगे, क्लिक्ड बटन पुस आइटम इज क्लिक्ड सेट स्टेट इंडेक्स सेम क
कैन नंबर, यस आई थिंक यही है, मैं भूल गया सॉरी, यस कैन नंबर लिस्ट है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को डेटा ऐड करना है, याद है, इसको क्या करेंगे हम, कैर सबसे पहले अब इसमें अपेंड करेंगे, अपेंड तो हम कर सकते हैं ना, अपेंड इनपुट वैल्यू, इनपुट ए वैल्यू, दैट्स इट। और इसके साथ एक चीज और अपेंड करेंगे हम, फर्दर अपेंड डैश। तो ये डैश मैंने क्यों अपेंड किया, मैं एक सेकंड बताता हूं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, ये हमारे एक स्ट्रिंग बनता हुआ जा रहा है। और यहां पे जो हम रिपीटिंग ग्रुप यहां पे हम दिखा रहे हैं, इसको हम थोड़ा इसको हम चेंज करेंगे, दिस शुड बी इंडेक्स करेक्टर काउंट स्प्लिट, स्प्लिट बाय डैश। तो हमने जो सेपरेटर यूज किया था वहां पे, उसी के बेसिस पे हम अब डेटा यूज करेंगे। ओके, अब हमारा वो स्ट्रिंग है तो हमें वो टेक्स्ट रिटर्न करेगा, और यहां पे हम एज अ टेक्स्ट, आपको फॉर्मेट एज अ नंबर करना है तो यहां पे सिंपली नंबर कन्वर्ट टू नंबर कर लो, तो दैट इज अनोथ। लेट मी शो यू द फाइनल सॉल्यूशन जो आया है। वन किया पुश आइटम वन परफेक्टली, मैंने टू थ्री किया पुश आइटम परफेक्टली, अब मैं दोबारा से वन करता हूं, ये देखो वन होता गया। सो दिस इज, अब आप डुप्लीकेट ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो ठीक है नंबर्स और टेक्स्ट में तो ठीक है, अब मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूं। तो आपको इंटरेस्टिंगली क्या करना है ना, सब कुछ सेम रहेगा, वेन एवर यू पुशिंग आइटम पुश ऑब्जेक्ट यूनिक आईडी, क्योंकि जो बबल में जितने भी डीबी है इन सबकी एक यूनिक आईडी होती है, जैसे ये पर्टिकुलर रो है तो इसकी एक यूनिक आईडी होगी ये, एंड दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ जहां पे मैं ये पुश कर रहा हूं या अपेंड कर रहा हूं इनपुट ए वैल्यू, यहां पे उस ऑब्जेक्ट की टेक्स्ट वैल्यू पुश करोगे, तो यूनिक आईडी पुश करोगे। तो जैसे आप यूनिक आईडी पुश करोगे, इवन आप डुप्लीकेट पुश कर रहे हो, दैट विल ट्रीट एज अ न्यू वैल्यू, आप उसको ब्रेक कर सकते हो, एंड देन जहां भी आपको दिखाना है उसको आप अगेन कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, डू सर्च फॉर सिंपल लगा के। सो आई होप दिस इज हेल्प यू, किसी को तो हेल्प किया होगा, और जिसको भी हेल्प किया होगा ना लाइक वो बोलेगा ओके इट मेक्स सेंस एक्चुअली। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कोई भी इश्यू कमेंट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।